स्टार्ट करें। What's up guys, thanks for watching another episode. This is PIYUSH. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi K20 Pro की कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन की जो कि आपको इस प्राइस रेंज में देखने के लिए नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम K20 Pro की बात करने वाले हैं, K20 की नहीं, और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तीन चीजों का डिफरेंस है, एक तो चार्जिंग को लेकर और दूसरे यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर को लेकर और थर्ड जो है वो है इसका SoC। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोन इंडिया के अंदर K20 और K20 Pro कर ही लॉन्च हो, क्योंकि यहाँ पर रशिया में ये फ़ोन लॉन्च हुए हैं Mi 90 एंड Mi 90 Pro कर, तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर ये Mi A3 कर आए। बाकी जो चीज़ें हैं मैं वो आपको लॉन्च डेट से पहले बता दूंगा, और ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के अंदर। और वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा Xiaomi के काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में लॉन्च नहीं होते और मिलते भी हैं इंडिया के अंदर तो काफी ज्यादा उनका प्राइस होता है। लाइक काफी सारी अभी वीडियो बनी है, जैसे कि आपने देखा होगा Redmi A.999 के मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर आप उन्हें बाय करने जाएं तो वो 3,500 तक के मिलेंगे, और यहाँ पर A.2 की तो बात करो ही मत, 6,000-8,000 रुपए का आपको वो देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर Xiaomi की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है शेयर एंड सेव, जिससे आप शेयर करने के बाद काफी कम प्राइस पर बाय कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट को। और नॉर्मली जब हम इंपोर्ट करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाहर से तो हमें वारंटी उनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, बट अगर आप इस ऐप से किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो यहां पर आपको एक ईयर की Xiaomi की तरफ से वारंटी मिलेगी, और साथ ही साथ यहां पर आपको काफी कम प्राइस में देखने के लिए मिलेंगे प्रोडक्ट। लाइक मैं बात करूं Redmi AirDots की, तो यहां पर Redmi AirDots का जो प्राइस है वो 1800 रुपए है, अगर आप इसे बैंगवुड गेयरवेज से बाय करेंगे तो 3,000-3,500 रुपए इसका प्राइस है। और यही नहीं, अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो आपको शेयर करने पर अपटू 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट वो फ्री में मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है ये जो एप्लीकेशन है वो खुद Xiaomi वालों की तरफ से है, तो अगर आपको कुछ भी Xiaomi का बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, 100 से ज्यादा इसमें आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, और इन फ्यूचर हो सकता है इसमें आपको फोन भी देखने के लिए मिल जाए। तो अब ऐसे भटकते नहीं है, बात करते हैं यहाँ पर पहली स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर जो हमें पॉपअप कैमरा सेंसर दिया गया है वो काफी ज्यादा भयंकर है, 0.8 सेकंड में बाहर की तरफ आ जाता है और इसके साइड साइड में लाइट करती है ग्लो। और यही नहीं, यहाँ पर जो आपको ये कैमरा सेंसर दिया गया है वो वाटर रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस और काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। Xiaomi ने इसे 3,00,000 बार ऐसे टेस्ट करा है और बता रहे हैं कि काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। और पॉपअप कैमरा सेंसर के ऊपर आपको एक रिंग देखने के लिए मिलती है जिसमें लाइट ग्लो करती है, तो ये फीचर काफी ज्यादा कूल सा है। और यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है वो 20 मेगापिक्सल का विद फोकस अपर्चर F2.0, और फ्रंट कैमरा सेंसर में कोई वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पैनोरामा का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फ्रंट पर, जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा Xiaomi की तरफ से निकाला गया है, वाइड एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं फ्रंट कैमरा सेंसर से, वाओ कूल। अब बात करें डिस्प्ले की, तो 6.39 इंच की डिस्प्ले दी गई है विद 91.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर आपको DC डिमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये ऑप्शन जो है वो OnePlus 7 Pro के अंदर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला। DC डिमिंग से आपकी आईज पर काफी कम इफेक्ट होता है, और यही नहीं, स्क्रीन में आपको साथ ही साथ दिया गया है ब्लू फिल्टर, तो आपकी आईज ऐसे खराब नहीं होने वाली। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यह पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको 7th जनरेशन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और यह काफी ज्यादा फास्ट है। अब नेक्स्ट चीज की बात करें तो गेम टर्बो 2.0 दिया गया है, जिसकी वजह से स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और गेम खेलते भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और Xiaomi की तरफ से पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको NFC देखने के लिए मिलती है, और NFC के साथ साथ आपको यहाँ पर कूलिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे पोको F1 में तो लिक्विड कूलिंग दी गई है, इसमें कुछ कूलिंग मिलती है, नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपको 8 लेयर्स ग्रेफाइट कूलिंग देखने के लिए मिलती है, और ऊपर वाली लेयर्स में थर्मल जेल, सिलिकॉन जेल, काफी सारी चीजें जिसकी वजह से आपको फोन हीट नहीं होने वाला। अब बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर 3D ग्लास यूज करा गया, और बैक पैनल की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरा फेवरेट रेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है। और यहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है 48+13+8 मेगापिक्सल का। अब यहां पर एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर है और एक है 2x टेलीफोटो लेंस। मेन कैमरा सेंसर जो है ना 48 मेगापिक्सल का, यहां पर सोनी IMX586 दिया गया है। यहां पर आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं है, लो लाइटिंग फोटोज भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और यहां पर गेम ऑप्टिमाइजेशन भी काफी भयंकर हो चुकी है, तो आप ऐसे बिना घबराए पबजी खेल सकते हैं, फोर्टनाइट खेल सकते हैं, और काफी सारे गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी अभी चल रहा है। तो अगर आप किसी फ्लैगशिप डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये फोन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल फ्लैगशिप डिवाइस ही है। और यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मैंने आपको सब बता ही दिया। यहाँ पर कूलिंग ऑप्शन से लेकर इसके डिजाइन तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो बात करेंगे हम जब हमारे हाथ में रिव्यू यूनिट आ जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको बाय करने हैं कोई Xiaomi के प्रोडक्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को जाकर कर लें डाउनलोड, और अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और शेयर करने से जैसे मैंने बताया आप फ्री में भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लें,
और चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो पहुंच जाइए, लिंक इधर आ रहा होगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक लिए जो मन में आएगा इस बुक टू वॉच योर हार्ट फिर स्टेडियम विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस बाय। अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ बात ये बता रहा, कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी हैं काम।